वही बस्ती में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है जिसमें एक इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश फिरोज ने अस्पताल में दम तोड़ा। फिरोज पर दरअसल पुलिस ने 1,00,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। लालगंज थाने के महादेवा रोड के पास ये मुठभेड़ हुई जिसमें इनामी बदमाश को गोली मारी गई। घायल बदमाश फिरोज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया था जहां उसने दम तोड़ दिया। फिरोज पर पुलिस ने 1,00,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। लालगंज थाना के महादेवा रोड के पास ये मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश घायल हुआ। एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर। इस एनकाउंटर के दौरान एक इनामी बदमाश को गोली मारी गई। घायल बदमाश जिसका नाम फिरोज है उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल में बदमाश ने दम तोड़ दिया। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, किस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? आपको बता दें, आईटीआई बैंक लूटकांड का मुख्य आरोपी था किसान पठान, जो आईजी एसटीएफ के द्वारा इसे 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया था। बस्ती सहित अम्बेडकर नगर और सहित कई जिलों में इसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसी क्रम में कल पुलिस मुठभेड़ हुआ था। सात साथी गिरफ्तार हुए थे, उसमें दो लोगों को गोली भी लगी थी। आज उसी क्रम में एसटीएफ ने इसे लालगंज थाना क्षेत्र के चैला गांव में एनकाउंटर किया जिसमें इसको 3 गोलियां लगी हैं। उसके बाद इस इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। इसमें एसटीएफ प्रभारी धर्मेंद्र पारी के नेतृत्व में इसको इसके ऊपर फायर किया गया जिसमें से इसकी 3 गोलियां लगने के बाद इसकी मौत हो गई है। जिला अस्पताल में इसके इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। बस्ती की फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। एसपी बस्ती और एडिशनल एसपी और कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। और अभी साथी जो इसके साथ मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ था उसकी तलाश जारी हुई है। घेराबंदी कर दिया गया है और अभी भी उसकी तलाश में पूरी जुटी हुई है। एक दूसरे साथी की जो इसके मोटरसाइकिल से जा रहा था उसे अपराधी से मिलने। ठीक है, शुक्रिया आपका राघवेंद्र सिंह इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए।